नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। आपकी जन्म राशि का स्वामी बुध 2 अक्टूबर तक मित्र राशि सिंह में रहेगा, उसके पश्चात अपनी स्वराशि कन्या में आ जाएगा जो कि सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। इस समय पर आप भूमि, भवन, वाहन या किसी नए कार्य में निवेश कर सकते हैं। 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि अच्छे और मजबूत प्रभाव में रहेगी। प्रेम संबंधों में 12 तारीख के बाद कड़वाहट आने के संकेत मिल रहे हैं। विवाहित लोगों पर भी इसका पूर्ण प्रभाव 17 तारीख के बाद बनेगा। मंगल इस समय पर अपनी मित्र राशि धनु से गोचर करते हुए मंगली प्रभाव में वृद्धि करेगा। इस प्रभाव के चलते पति पत्नी के विचारों में अलगाव उत्पन्न हो सकता है। इस समय पर बच्चों का विशेष ध्यान दें क्योंकि नीचारोही सूर्य पंचम भाव पर अपना प्रभाव बनाएंगे जिससे संतान पक्ष और मानसिक कष्ट में वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय और नौकरी की स्थिति 20 अक्टूबर तक अच्छी रहेगी। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं लेकिन 21 तारीख से समस्याएं महसूस होने लगेंगी। थोड़ी बहुत दिक्कतों के साथ अक्टूबर का महीना संतोषजनक रूप से आपके पक्ष में रहेगा। इस महीने चंद्रमा 9-10 तारीख को आपकी चंद्र कुंडली के अष्टम भाव से गोचर करेगा, इसलिए यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस समय पर आपको अपना बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। 18-19 तारीख को किसी भी प्रकार के लेन देन से बचें। इस समय पर चंद्रमा आपकी चंद्र कुंडली के हानि भाव से गुजरेगा। सलाह, इस महीने 21 तारीख से 30 तारीख के बीच कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। अक्टूबर महीने में मिथुन राशि को भाग्य मीटर पर 5 में से 3.5 अंक मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।